दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप लोग भी एक ड्रीम इलेवन यूजर है। और यहां पर दोस्तों जब आप लोग जो आपका ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है इसमें आप लोग जैसे ही अपना पैन कार्ड यहां पर वेरीफाई किए तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपका पैन कार्ड है यहाँ से आपका पैन कार्ड देख सकते हैं आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे पैन कार्ड वेरीफाई किए तो हमारा पैन कार्ड हमारा रिजेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो हमारा पैन कार्ड रिजेक्ट हुआ या आखिर किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है इसको हम लोग भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद अगर आपका पैन कार्ड यहाँ से आपका रिजेक्ट हुआ है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि आप लोग इस चीज़ को भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आखिर क्या सॉल्यूशन होने वाला है, पूरा ए टू जेड मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी यह आपको चीज आपको समझ मतलब कि समझने में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन में पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप लोग इसको फॉलो नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपका पैन कार्ड यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस पर मतलब कि यहाँ पर आपको वॉलेट वाला सेक्शन में आना और यहाँ पर जो है जो आपका वेरीफाई टू विड्रॉ इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका पैन कार्ड आपका यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ है उसके नीचे में दोस्तों आपको चेक करना है कि जो आपका पैन कार्ड है वो आपका पैन कार्ड किस रीजन से आपका रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, पैन कार्ड इज नॉट पैन नंबर इज नॉट वैलिड, मतलब कि यहाँ पर जो हम पैन नंबर को डाले थे हो सकता है मेरा वो जो मतलब कि पैन नंबर होता है वो पैन नंबर मेरा यहाँ पर मेरा मतलब गलती से मेरा कुछ और मेरा यहाँ पर मेरा डाला गया होगा या फिर मेरा मतलब कि गलती से यहाँ पर हम जो मेरा पैन नंबर होता है वो पैन नंबर हम यहाँ पर हम गलत डाल दिए होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो मेरा पैन कार्ड है मेरा पैन कार्ड यहाँ पर आपको मेरा जो मेरा पैन कार्ड है वो मेरा रिजेक्ट हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपका आखिर क्या रीजन आपको दिया है, किस रीजन से आपका पैन कार्ड यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर आपका मतलब कि रीजन आपका आया है जैसे कि मेरा देख सकते हैं पैन नंबर इज नॉट वैलिड, मतलब कि यहाँ पर हम जब पैन नंबर को डाले थे तब यहाँ पर पैन नंबर के मतलब डालते समय हो सकता है मेरा कुछ गलती यहाँ पर हम किए थे। आपको सिंपली क्या करना है, इसके बगल में एक एरो दिखेगा, इस एरो पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है पैन कार्ड में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आप डाले मतलब कि सही से ही डाले हैं या फिर नहीं डाले हैं, स्पेलिंग वगैरह सब चीज़ सही है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर स्पेलिंग भी गलत होगा तो यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है आपका पैन कार्ड यहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना कि जो आपका पैन नंबर है सॉरी पैन कार्ड है उसमें ये जो आप यहाँ पर नाम डाले वो नाम दोनों से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, दोनों का स्पेलिंग सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में आपको दिखेगा पैन नंबर आपको डालने के लिए बोलेगा, जो कि मेरा भी जो मेरा पैन नंबर है रिजेक्ट हुआ वो मतलब कि इनवैलिड पैन नंबर से मेरा रिजेक्ट हुआ। तो आपको सेकंड में आपको चेक क्या करना कि यहाँ पर जो पैन नंबर को डाले हैं वो पैन नंबर दोस्तों आपका सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं रहेगा तो आपका पैन कार्ड जो आपका पैन यहाँ पर आप वेरीफाई करोगे वो पैन आपका यहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम चेक करना, उसके बाद पैन नंबर को चेक करना है। अगर यहाँ पर एक भी अगर आपका स्पेलिंग गलत होगा तो उसको आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सही कर लेना। ठीक है, सही कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे में आपको दिखेगा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सिंपली करना है कि आपको डेट ऑफ बर्थ पे जाकर के आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो आप मतलब कि डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे उसका डेट ऑफ बर्थ भाई मतलब कि 18 साल से भाई प्लस होना चाहिए। ठीक है, 18 साल से प्लस नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 18 साल से मतलब कि प्लस जो होगा उसी का पैन कार्ड को यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, उसके बाद यहां पर दोस्तों आप लोग ये चीज आप लोग जैसे कर लोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में आपको एक ऑप्शन आपको दिखता है अपलोड पैन प्रूफ का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, क्या है यहाँ पर आपको जो ये अपलोड पैन प्रूफ है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं अपलोड पैन प्रूफ में मतलब कि कुछ कोई तो कोई आधार कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं, कोई तो कोई भाई मतलब कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा अपलोड पैन प्रूफ में इसमें दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड का फोटो को अपलोड मतलब कि अपलोड करना, जो पैन कार्ड आप यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हो वही पैन कार्ड को आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये नहीं कि आप कुछ और पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर रहे हो तो वैसा करोगे तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही दोस्तों कुछ मतलब कि यही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि यहाँ पर आप लोग को नाम पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ और ये जो आपका पैन प्रूफ है ये चारों चीज़ आपको सही सही डालना पड़ता है। सही सही अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पर आपका जो आपका ये पैन है आपका पैन यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो ठीक है, तो यही दोस्तों चार रीजन होता है और यही चार रीजन से आपको जो आपका पैन कार्ड है आपका पैन कार्ड यहाँ पर आपका रिजेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग अपना चेक कीजिएगा या फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आखिर आपका पैन कार्ड किस रीजन से आपका मतलब कि
कि आपका रिजेक्ट हुआ है। अगर कोई रीजन आपका होगा तो ये चार में से आपका कोई ना कोई एक रीजन से आपका रिजेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना, आपको सब चीज़ आपको सही सही डालना, और आपको ये जो नीचे में आपको एक दिख जाएगा सबमिट डिटेल का ऑप्शन, बस आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद जो आपका पैन कार्ड है, आपका पैन कार्ड यहाँ पर ये जो आपका मतलब कि रिजेक्ट हुआ है, ये आपका सक्सेसफुली मात्र 10 मिनट के अंदर आपका ये आपका सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर बाकी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।